हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जहर को दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी खास वीडियो है जिसके बारे में हमें कई बार पूछा गया था कमेंट में, जिसकी वजह से मैंने आपको ये बात बता रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल लंबा नहीं करेंगे, लेकिन एक आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर लाल बटन पर दबाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है और बाजू में घंटे के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली फायदेमंद वीडियोस आपको यही मिलती रहे। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों जब भी कोई आपको पीला ततैया या काला ततैया काट कर या डंक मार जाए तो ऐसे में दोस्तों बहुत दर्द होता है और उसका जो जहर होता है वो आपके चेहरे को सुजा देता है या जहां भी काटता है वो बिल्कुल फूल के सूज के लाल हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों उस जहर को निकालने का और काटने का एक ऐसा उपाय मैं आपको बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। जिन लोगों ने भी इसे इस्तेमाल किया है इससे पूरा पूरा फायदा उठाया है और उनके लिए बहुत काम का साबित हुआ है। तो आप भी दोस्तों इस नुस्खे को ध्यान से सुनिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए मूली। जी हाँ दोस्तों, मूली को काट कर आपको उसके ऊपर रख देना है या फिर आप चाहें तो मूली का जो पानी है जो आप उसे पीस कर पानी निकालेंगे जूस, उसे रुई में भिगोकर डंक वाली जगह पर रख दें। इससे आपको दर्द में बहुत आराम मिलेगा और जहां भी काला या फिर जो पीले ततैये ने जो डंक मारा है वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा राहत महसूस होगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसे उपाय है जिसकी वजह से न जाने कितने ही लोगों ने इससे बहुत आराम पाया है और दर्द को कम करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप कभी भी ऐसा ततैया काट जाए, वैसे तो मैं चाहूंगा कभी ना काटे, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो आप ये तरीका इस्तेमाल करें तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। दोस्तों ना केवल सिर्फ ततैयों के लिए बल्कि जब कोई कीड़ा मकोड़ा काट जाए जो जहरीला टाइप सा हो और आपके स्किन पर सूजन आ जाए, लालपन हो जाए, तो दोस्तों ऐसे में अगर आप मूली का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको फायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लो ना, हम इसी तरह आते रहेंगे। दोस्तों आप सभी ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू दोस्तों।